हेलो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं आपका दोस्त पठान दोबारा आ गया हूँ वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम करेंगे केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन किसके साथ? चीनी के साथ। और ये आपको नहीं पता होगा, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम शुगर के अंदर जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इसका डिहाइड्रेशन होने लगेगा और जो इसका कार्बन है वो निकल जाएगा। तो हमने चीनी ले ली है पीसी हुई कि केमिकल रिएक्शन में इजी रहे। और सल्फ्यूरिक के लिए ये बहुत डेंजर होता है, तो इसके लिए हमें ग्लव्स चाहिए होगा। और ये केमिकल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसको घर पे ट्राई करने का बिल्कुल नहीं सोचना। और ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट निकलती है, तो ये बहुत ज़्यादा इस टाइम गर्म हो रहा है। इसका थोड़ा ठंडा हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। और चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। वैसे इसकी स्मेल बहुत बुरी है, स्मेल इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की है। तो ट्राई करते हैं, अभी भी गर्म है, अभी भी ग्लास के अंदर। और ये प्योर कार्बन है। ये है आपके सामने रिजल्ट। ये रहा कार्बन, कुछ सांप जैसा लग रहा होगा आपको, अभी उन्हें तोड़ दिया। सो ये था कुछ आपके सामने रिजल्ट। और ऐसा कुछ घर पे मत करना, अगर आपका कुछ करने का मन है तो हमें बताइए, हम आपके लिए करेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।